the broads in Atlanta. She's with the V in the family. Credit cards and scams. Hitting the licks in the van. वेलकम बैक टू टूरिस्ट मेनिया। माय नेम इज प्रियांशु एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू एंड अ फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो अपने जितने भी टीवीएस एंड टॉक के लवर्स है उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज मैं आया हूँ एट दी बाइकर शॉप एंड आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी एक्सेसरीज टीवीएस एंड टॉक पर लगा सकते हो, उनकी प्राइसिंग क्या होती है एंड आप किस तरीके से लगा सकते हो। सो गाइस, अगर आप ये स्कूटी ओन करते हो एंड इस स्कूटी पर अगर आप मॉडिफिकेशन करने के लिए सोच रहे हो तो आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो मेक श्योर गाइस, आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एंड या चलते हैं अभी सबसे पहले शॉप के अंदर, ओनर है उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एंड उसके बाद आगे का जो वीडियो है हम लोग शुरू करते हैं। शॉप के अंदर एंड ये है दीपक भैया। तो भैया कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बहुत टाइम के बाद हमने वापस से शूट करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो भैया सबसे पहले तो आपके शॉप के बारे में बता दीजिए, उसके साथ अपना जो एड्रेस है वो भी मेंशन कर दीजिएगा अभी। हमारा शॉप का नाम है द बाइकर शॉप और ये वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग मोड़ से 1 किलोमीटर अंदर दागापुर ग्राउंड है, उसके सामने में ही पड़ता है ये दुकान हमारा। और हम लोग जितना भी बाइक का स्कूटी का एसेसरीज है उसमें डील करते हैं। बेसिकली आज हम लोग टीवीएस एंटॉक करने वाले जितने भी एसेसरीज है वो सभी आपको दिखाने वाले एक एक करके। तो हम लोग सबसे पहले कौन सी एसेसरीज दिखाने वाले हैं? सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे वाइजर्स। ये एंटॉक में बिल्कुल लग जाता है आराम से, लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कैसा लगता है कैसा नहीं। भैया प्राइसिंग क्या होता है इसका? प्राइस 180। अभी भैया ने हमें जो ये वाला जो विंडशील है वो दिखाया था, तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये स्कूटी के लगने के बाद कैसा लगता है कैसा नहीं। तो ये जो विंडशील है आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करके लगा सकते हो, बस आपको यहाँ पे 2 होल करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर ही आपका जो विंडशील है ये इजीली प्लेस हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आइटम है ये हैंड प्रोटेक्टर विथ LED लाइट, इंपोर्टेड है। लाइट की पावर आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया आइटम है। हैंड गार्ड का भी काम करता है, विंड से भी बचाता है और इंडिकेटर का भी काम करता है। इस तरह से आप इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं इसका, डायरेक्टली अपने इंडिकेटर साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ एंड देखने बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड कलर ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, 4 अलग अलग कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको ब्लू कलर भी देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग क्या होता है इसका? 850। नेक्स्ट आइटम आ जाता है लीवर प्रोटेक्टर्स। भैया प्राइसिंग क्या होता है इसका? ये 350। इसमें कलर आता है, 6-7 कलर आता है इसमें एंड देन ये थोड़ा और अगर आपको हैवी में चाहिए तो ये आ जाता है 600 का। कार्बन फिनिश में है, इसमें भी आपको 4-5 कलर आता है। और इसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे व्यूअर्स? हाँ जी हाँ मिल जाएगा। तो ये जो हैंड गार्ड्स है आपके स्कूटी के हैंडल बार्स है, उस पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप प्लेस करके लगा सकते हो। लगने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है एंड यहाँ पे आपका जो बायरेंस है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका जो ये हैंड प्रोटेक्टर्स है आपके स्कूटी पे इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर हैंड गार्ड नहीं लगाना चाहते हो, अगर कुछ एक स्लीक सा लुक चाहिए तो यू कैन गो विद दिस लीवर प्रोटेक्टर्स। तो जो लीवर प्रोटेक्टर्स है ये आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये अगर आप ज़्यादा बल्की लुक नहीं चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये आपके स्कूटी के जो लीवर्स है, दोनों ब्रेक लीवर्स, उसको ये बचाएगा इन टाइप ऑफ एनी क्रैश। प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको स्कूटी को काफ़ी अच्छा जो लुक है वो प्रोवाइड कर देगा। इसमें भी आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने स्कूटी से मैच करते हुए जो भी कलर चाहो आप वो यहाँ से आके परचेज कर सकते हो। ये विंगलेट जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है, सामने का फ्रंट लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। इसमें आपको 3-4 कलर आते हैं। ये बेसिकली V3 का विंगलेट है, जो R15 V3 बाइक आती है ये उसका विंगलेट है, जो कि एंटॉर्क में भी लगता है और काफ़ी बढ़िया लगता है लगने के बाद। आपने काफ़ी सारे वीडियोस एंड फोटोज़ में देखा होगा, काफ़ी लोग लगाते हैं, लगाने में लुक जो है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। भैया प्राइसिंग क्या होता है इसका? 150। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सेसरी जो कि है ये विंगलेट। तो ये जो विंगलेट है अपने स्कूटी के फ्रंट वाला जो मडगार्ड है उसके यहाँ पे आप इजीली लगा सकते हो। लगाते हो तो ये कुछ इस तरीके से हमें प्लेस हो जाता है एंड देख सकते हो गाइस, लगने के बाद स्कूटी का जो लुक है वो कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है आगे से। काफ़ी स्पोर्टी सा जो लुक है वो सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा एंड इसमें भी आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग आगे परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम आ जाता है ये हैंडल मिरर्स, काफ़ी बढ़िया लगता है। इसमें 3 तरह का आता है, एक तो राउंड आता है, एक ये है, एक थोड़ा गोल सा आता है, ओवल बोलते हैं जिसको। प्राइसिंग क्या होता है इसका? इसका 400, कोई भी शेप का प्राइस 400। क्वालिटी भी आप देख लो बहुत अच्छा है। उसके बाद इससे अगर आपको और थोड़ा बेटर क्वालिटी चाहिए तो फिर ये वाला आ जाता है। इसमें आपको ये टोटल CNC फिनिश में आता है, इसमें भी कलर आ जाते हैं 3-4। इसका प्राइस आता है आपको 650। एंड ये BSDBP की कंपनी का है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है ये एंड क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। और अगर आप चाहते हैं मिरर्स को ऊपर लगाना जहाँ पे ओरिजिनल मिरर्स रहते हैं, तो आप ये CNC का ये मिरर लगा सकते हैं। छोटा है, ट्रेंडी है, CNC में काफ़ी बढ़िया है और आपको एंटी ग्लेयर वाला सिस्टम भी। हाँ जी, एंटी ग्लेयर है जो कि आँखों में नहीं लगता है। पैकेजिंग देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, सारे फिटमेंट्स आपको साथ मिल जाएंगे। ये प्राइसिंग क्या होता है इसका? 750 ओनली। अभी भैया ने 3-4 क्वालिटी के जो मिरर्स है वो दिखाए थे, बट इनमें से 2 जो क्वालिटी का जो मिरर्स है जो सबसे मुझे बेस्ट लगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि लगने बाद कैसा दिखता है कैसा नहीं। सो हम लोग शुरू करते हैं ये वाले मिरर्स के साथ। तो ये नॉर्मली आपका जो स्टॉक मिरर है उसको आप रिमूव करके ये वाला जो मिरर्स है आप कुछ इस तरीके से प्लेस करके लगा सकते हो
एंड लगने के बाद देख सकते हो काफ़ी स्लीक सा जो लुक है आपको देखने को मिलेगा। एंड इसको एंटी ग्लेयर का जो फंक्शंस है वो भी मिल जाता है, तो ये काफ़ी यूजफुल से चीज़ मुझे लगी। एंड क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लगने के बाद स्कूटी का जो लुक है वो भी काफ़ी स्टाइलिश एंड स्लीक सा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि बायरन मिरर्स लगाना, आप ये वाले जो बायरन मिरर्स है उनके साथ जा सकते हो। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर का जो टेक्सचर है वो देखने को मिल जाता है। एंड ये फुल CNC मटेरियल का भी यूज़ करके बनाया गया है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि अपने स्कूटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके परचेस करके लगा सकते हो। जैसे कुछ इस तरीके से आपके स्कूटी का जो बार एंड्स है, हैंडल बार के एंडिंग पॉइंट्स पे आप इजीली इसको कनेक्ट करके लगा सकते हो। एंड जैसे गाइस लगने के बाद स्कूटी का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हो अलग अलग पोजिशंस में, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। नेक्स्ट आ जाता है ये नंबर प्लेट का गार्ड, इसको आप लगा सकते हैं अपने नंबर प्लेट्स में। ये फ्रंट का है, ये रियर का है, इसमें ये रिफ्लेक्टर्स भी है। ये आपका 100 रुपीस का पेयर है। नेक्स्ट आइटम आ जाता है ये मोबाइल होल्डर, भी बहुत काम का चीज़ है। इस तरह से आप इसको लूज़ करके एंड यहाँ पे आप अपना मोबाइल डाल देते हैं और फिर इसको टाइट कर देते हैं। ये आपका मिरर्स का जो पॉइंट है वहाँ पे लग जाता है इस तरह से, यहाँ से मिरर्स रहता है और ये इस तरह से लग जाता है। तो स्कूटीज में बेसिकली यही वाला लगता है। अभी प्राइसिंग क्या होता है इसका? 280 रुपीस। एंड आपके पास और भी अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे? हाँ, इसमें इसके ऊपर रेंज में भी फिर आपका हाई क्वालिटी, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी लेना चाहते हैं तो फिर वो आपको 1000-1200 रुपये तक जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ये प्रो टेपर का ग्रिप, पाम रेस्ट, ये पाम रेस्ट भी है। प्राइसिंग क्या होता है? 300 का आएगा ये। एंड ये अगर ये लगाते तो अलग से कोई पाम रेस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, काफ़ी कंफर्टेबल भी रहने वाला है इसका। क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे कलर से मिल जाएंगे अलग? हाँ, कलर इसमें मिल जाएंगे, 3-4 कलर आते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है ये RCB का ग्रिप, जो कि बहुत स्मूथ रहता है, आप फील करके देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी इजीली ये होल्ड कर पाओगे आप हाथ पे। एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे इसके अच्छे लगे। भैया इसका प्राइसिंग? 350। इसमें भी कलर्स मिल जाएंगे? हाँ। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा मेटल लुक में तो आप ये वाला लगा सकते हैं अपने बाइक्स में, इस पर भी कलर्स आते हैं। ये देखिए दोनों एंड्स पे आपको जो CNC मटेरियल का यूज़ देखने को मिलेगा, अलग कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ। ये BHDPE पे भी आता है, सेम चीज़ है, देख सकते हो क्वालिटी, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एंड पेंट क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें भी आपको अलग अलग कलर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। प्राइसिंग क्या होता है इसका? 320 रुपये। ये BHDPE का? हाँ। और इसका? ये 300 का आ जाता है। अगर आपको लीवर काफ़ी स्लिपी लगता है, स्लिप करता है लीवर, तो लीवर ग्रिप भी आता है प्योर RCB में, जो कि लीवर ग्रिप बोलते हैं जिसको। देख सकते हो गाइस, ये आपके बाइक के एंड स्कूटी के जो लीवर्स होते हैं, क्लच लीवर्स, ब्रेक लीवर्स, उस पर आप इजीली इसको लगा सकते हैं। ये प्राइसिंग क्या होता है इसका? ये RCB का ओरिजिनल आएगा 450 का। तो नेक्स्ट आइटम आ जाता है एंटॉर्क का ये मीटर का कवर, जो आपका मीटर रहता है उसके ऊपर ये फिल्म लगता है, जैसे मोबाइल में टेम्पर लगाते हैं हम लोग, उस तरह से ये फिल्म लगता है। प्राइसिंग क्या होता है इसका? ये 150 का आता है। अब हम आ चुके हैं स्कूटी के इंस्ट्रूमेंट कंसोल वाले एरिया की तरफ। तो यहाँ की इस एरिया के लिए भैया ने काफ़ी सारी जो एक्सेसरीज है वो दिखाई थी, तो एक एक करके मैं आपको सारी एक्सेसरीज दिखा दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम ये वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ में। तो ये वाला जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है, इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ये हालांकि नया वाला जो एंटॉक आया है 2024 वाला, उसका है, बट अगर आप चाहो तो इसके लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके स्क्रीन पर लग जाता है। अभी तो काला काला दिख रहा होगा, बट इसके ऊपर एक फिल्म चली हुई है, ये फुल ट्रांसपेरेंट है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के जो स्क्रीन है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। तो आप चाहो तो आप ये लगा सकते हो, आपको अलग अलग बाइक्स एंड स्कूटी के लिए देखने को मिल जाता है। दूसरा जो एक्सेसरीज था वो था ये पाम रेस्ट। तो पाम रेस्ट में बहुत सारे आपको अलग अलग भैया ने ऑप्शन दिखाया था, बट ये लो जो पाम रेस्ट था मुझे सबसे बेस्ट लगा। तो ये रहा स्कूटी का स्टॉक हैंड ग्रिप्स, तो ये मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो अगर आप चाहो तो आप इस तरीके के जो हैंड ग्रिप्स के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाता है आपको, ये जो स्टॉक ग्रिप को खोलने के बाद। एंड एक काफ़ी अच्छे तरीके से आपको लुक को भी एनहांस करता है, उसी साथ गाइस आपको काफ़ी कंफर्टेबल सा जो राइडिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। गाइस भैया ने हमें इस तरीके के जो लीवर कवर्स जो हैं वो भी दिखाए थे, तो ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पे लगता है। तो देख सकते गाइस, ये रहा स्कूटी का ब्रेक लीवर्स। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हो, इसमें फिट बैठ जाएगा, इसमें आपको थोड़ा पुश करके लगाना पड़ेगा। एंड इसमें फिट बैठ जाएगा एंड इसको लगाने के बाद लुक भी एनहांस होगा, उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल सा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है इसमें इसके कारण भी मिल जाएगा। भैया ने हमें मोबाइल होल्डर दिखाया था वो, तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे आपको एक माउंटिंग पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का है। एंड ये आप अपने स्कूटी के जो साइड मिरर्स है वहाँ पे आप इसको इजीली लगा सकते हो, यहाँ पे भी या यहाँ पे भी। एंड आपको आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट एज वेल। नेक्स्ट आ जाता है आपका टायर स्लाइडर्स, सामने का टायर में लगता है। काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं ये। एंड भैया ये तो प्लास्टिक वाले, इसमें अगर मेटल वाला कोई लेना चाहे वो मेटल वाला 1350 का आता है, फुल मेटल का CNC में। इसका अगर बजट में लेना है तो वो इसके साथ जा सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अलग अलग कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें ये आपका 350 का है। एंड ये आपका एक और आता है, थोड़ा हैवी रहता है,
जो कि असेंबल करना पड़ता है इस तरह से। इसका ये जो है ऊपर वाला पार्ट फुल मेटल का है भैया, इसका प्राइसिंग क्या है? ये 450 का है। 450 का आएगा एंड इससे अच्छे क्वालिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फुल मेटल वाले। हाफ स्लाइडर्स में भी तीन चार डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बट दो जो सबसे बेस्ट डिज़ाइन मुझे लगा मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस बेसिक वाले हुक स्लाइडर्स के साथ। सो ये फुल प्लास्टिक में आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी आपको मेटल का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, वो काफ़ी लाइट वेट मटेरियल का यूज़ किया गया है। एंड आपके स्कूटी का जो फ्रंट फोक का जो एक्सेल है कुछ इस तरीके से वहाँ पे आप इसको प्लेस करके लगा सकते हो, ये आपके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देगा। चाहते हो कुछ हैवी क्वालिटी में तो गाइस ये वाला जो फुल मेटल का जो फोक स्लाइडर है वो देखने को मिलता है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी मटेरियल का यहाँ पे यूज़ करके बनाया गया है। ये भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस होकर लग जाएगा एंड देख सकते हो लगने के बाद स्कूटी का जो लुक है फ्रंट लुक है कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको बस लुक ही नहीं काफ़ी अच्छी जो प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। अगर आपको अपने बाइक में हैजार्ड सिस्टम लगाना है जो कि आपका बाइक अलग अलग स्टाइल से ब्लिंक करता है इंडिकेटर, तो उसमें आप ये मॉड्यूल लगा सकते हैं। ये हैजार्ड मॉड्यूल बोलते हैं इसको, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छा लास्टिंग करता है एंड बजट फ्रेंडली भी है। प्राइसिंग क्या है? 280 का है। 280 का है, देख सकते हैं। और इसके साथ आप अपना इंडिकेटर्स को LED कर सकते हैं, इसमें आपको हर कलर मिल जाएगा हमारे पास में। ये कुछ मॉडल्स में दिखा रहा हूँ, 30 रुपीज़ का है, ये 40 रुपीज़ का है। एंड लाइटिंग्स काफ़ी अच्छी होंगी हाँ, इसमें लाइटिंग बहुत अच्छा आएगा और जो पैटर्न है इसमें 10 पैटर्न रहता है वो बहुत अच्छा से इसमें ऑपरेट करता है। इसके साथ में एक स्विच भी लेना पड़ता है आपको 60 रुपीज़ का। आप फ्रंट में देखोगे तो एंटोर के फ्रंट में आजकल इंडिकेटर लगाते हैं लोग, जहाँ पे ये विंगलेट लगता है विंगलेट के ऊपर में जस्ट। ये बॉडी माउंटेड इंडिकेटर्स है, सिंगल कलर में है, येलो कलर में, और ये आपका 280 का है। 280 का। और अगर यही आप HJG में लेते हो तो ये 380 का आएगा, इसमें आपको डबल कलर्स भी रहेगा। DRLs आ जाएंगे ये साइड में और आपका बीच में जो इंडिकेटर्स है वो देखने को मिल जाएगा। ये मैं जला के भी दिखा देता हूँ, ये रहा इसका इंडिकेटर एंड ये रहा इसका DRL। ये ने जो इंडिकेटर्स है वो आपको दिखा दिया है, ये रहा स्कूटी का स्टॉक इंडिकेटर्स, तो जो जिसमें आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब वाला जो सेटअप है वो देखने को मिलता है, जो कि मैं बोलूँगा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको जो LED बल्ब दिखाया था आप उनको इन हेलोजन बल्ब के साथ रिप्लेस कर सकते हो एंड जिनके कारण जो लाइटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर आप इसमें 1000 फ्लैशर जो है वो इंस्टॉल करते हो तो वो और भी अच्छे तरीके से ग्लो करेगा। इसी के साथ हमने भैया ने ये जो बॉडी माउंटेड जो इंडिकेटर्स है वो दिखाए थे, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लगा सकते हो। जैसे कि ये आप विंगलेट के ऊपर या किसी अपने पैनल्स पे आप इसलिए इसको लगा सकते हो, यहाँ पे आपको होल्ड करके लगाना पड़ेगा एंड ये लगने के बाद काफ़ी खूबसूरत सा जो लुक है आपको स्कूटी को प्रोवाइड कर देगा। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट्स एज वेल। तो नेक्स्ट आइटम आ जाता है विंग्स, जो कि इस तरह का है, ये साइड पैनल्स में लगता है जो कि एरोडायनामिक लुक देता है स्कूटी को। ये प्राइस क्या रहता है इसका? 500 का है ये। 500 का रहता है। इसमें छोटा वाला भी आता है ना? हाँ जी, ये छोटा वाला है, इसमें फिलहाल मेरे पास ब्लू अवेलेबल है और भी कलर्स आते हैं इसमें। अगर किसी के छोटा में लेना तो वो इसके साथ जा सकता है। भैया प्राइसिंग क्या होता है छोटे वाले का? इसका प्राइस होता है 300। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सेसरीज की तरफ जो कि है ये विंग्स। तो विंग्स भैया ने हमें दो टाइप के दिखाए थे कि ये बड़ा वाला था ये छोटा वाला था। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला जो विंग्स है मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ कि वो किस तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये जो विंग्स है आप अपने स्कूटी के साइड पैनल पे कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा एंड लगने के बाद स्कूटी का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है एंड एक काफ़ी एरोडायनामिक सा जो डिज़ाइन है आपको स्कूटी को ये प्रोवाइड कर देगा। चाहो तो आप ये बड़ा वाला जो विंग्स है वो लगा सकते हो एंड अगर आपको बड़ा वाला नहीं लगाना है तो आप ये छोटा वाला जो विंग्स है उसके साथ भी आप जा सकते हो, जिसमें भी आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस करके लगा सकते हो। नेक्स्ट आइटम आ जाता है ये ब्लिंकर है, ये ब्लिंक करता है। इसमें देखिए LEDs है अंदर में तीन अलग अलग कलर के और ये मैं जला के दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह से मल्टी कलर में ब्लिंक करेगा। ये हो गया स्ट्रोब, इसमें अलग अलग बहुत सारे अलग अलग पैटर्न चेंज होते रहेगा कलर अपने आप। एंड देखने में छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, देख सकते हो गाइस कैमरा का पता भी चल रहा होगा। ये प्राइसिंग क्या होता है इसका? ये आता है 200 का। 200 फॉर द पेयर। हाँ, नेक्स्ट आइटम आ जाता है ये रियर कॉब लाइट बोलते हैं इसको। ये इस तरह से पेस्ट होता है, ये साथ में इसका PM टाइप आता है जो कि पेस्ट हो जाता है, वो साइड चिपकता है। और इसमें भी ऐसा ही मोड है, आप बैक साइड में लगा सकते हो। ये इसका कंट्रोल पैनल है, कंट्रोलर है यहाँ पे। और इसमें आप देखो बहुत अच्छा इसमें लुक आता है लगाने से, आप पीछे पैनल में इसको चिपका सकते हैं। ये हो गया, आप ब्रेक के साथ दे सकते हो या हेडलाइट के साथ कनेक्शन दे सकते हो इसका। और नेक्स्ट इसमें ये ब्लिंकिंग भी है, ब्लिंकिंग भी है। जैसे कितना सुंदर लग रहा है देखने में एंड ये बाइक में भी लगा सकते हो, स्कूटी में भी लगा सकते हो, इंडिकेटर्स के साथ भी दे सकते हो। ये इस तरह क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। एंड भैया प्राइसिंग क्या होता है इसका? 600। नेक्स्ट आइटम आ जाता है सीट कवर्स। इसमें अगर आपको सिंपल प्लेन सीट कवर अगर चाहिए एंटॉर्क का तो वो भी रेडीमेड मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे आपका एंटॉर्क का प्रिंट रहता है। यहाँ पे आपको TVS का भी आपको जो लोगो है वो एम्बोस के वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये प्राइसिंग क्या होता है? 250। इसके साथ आप चाहो तो फ्लोर मैट भी ऑर्डर कर सकते हो,
फ्लोर मैट आपको 250 का आएगा। आजकल लोग एंटॉक लेके काफ़ी लॉन्ग राइड भी करते हैं, और अगर आप डबल राइड कर रहे हैं या आप अपना पीछे बैग रख रहे हैं तो उसके लिए आप ये बैकरेस्ट लगा सकते हैं, जो कि बैठने में भी कंफर्टेबल कर देगा आपके राइड को, और बैग वगैरह भी रखोगे तो पीछे स्लिप नहीं करेगा। ये प्राइसिंग क्या होता है इसका? 850 रुपीज़ ओनली, और ये एडजस्टेबल है ऊपर नीचे। अच्छा। एडजस्टेबल होता है ये। गाइस अभी बैकरेस्ट था, मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ कि वो लगने के बाद कैसा दिखता है। सो ये जो बैकरेस्ट का फ्रेम है वो कुछ इस तरीके से आपका जो ग्रैब रेल्स है वहाँ पे फिट बैठ जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको जस्ट रख के दिखा दे रहा हूँ कि ये कहाँ पे लगता है। कुछ इस तरीके से हमें फिट बैठ जाएगा अंदर की तरफ से, एंड उसके ऊपर आपका जो ये बैक रेस्ट है वो माउंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो गाइस, लगने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है, ऐसा कुछ दिखेगा। लुक को भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस करेगा, उसी के साथ गाइस आपका जो पिलियन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहने वाला है। एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हो। एक बार आप पीछे से भी देख इसका जो लुक है आप देख लो कैसा लगता है कैसा नहीं, जैसे आपको एक आइडिया मिल जाए। कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है, एंड ये इजीली आप इसको सेट कर सकते हो। गाइस भैया ने हमें जो फ्लोर मैट है उसके बारे में बताया था, तो अभी तो यहाँ पे अभी स्टॉक में नहीं था बट इस स्कूटी में लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके जो फ्लोर मैट है जिसके ऊपर आपको एंटॉक 125 का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाता है, तो अगर आप चाहो तो ये भी यहाँ पे मिल जाता है, एंड प्राइसिंग भैया ने बता ही दिया है, तो आप अपने स्कूटी के लिए यहाँ से आके परचेज कर सकते हो ये भी। अगर आप नाइट ड्राइविंग करते हैं और आपको अपना लाइट का थोड़ा सा कमज़ोर फील होता है तो आप ये वाला फॉग लाइट्स लगा सकते हैं, जो देखने में भी छोटा सा है पर पावर इसका बहुत बढ़िया है। ये ओरिजिनल HJG में आएगा, एंड इसका पावर आप देख सकते हैं। इसमें ये फ्लैशिंग मिलेगा, इसमें आपको ये मल्टी फ्लैशिंग मिलेगा, उसके बाद में आपको ऐसे वाइट भी मिलेगा, जलता हुआ येलो मिलेगा जो आप वहाँ देख सकते हैं। वैसे देखने में छोटा है बट इसकी जो लाइट की जो एफिशिएंसी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देख सकते हो गाइस। ये कॉम्बिनेशन भी आएगा, वो भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तो देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये लाइट की जो क्वालिटी मुझे लगी, एंड इसकी लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी है, ये इजीली आप अपने एंटॉक पे लगा सकते हो। इसमें ये हैजार्ड सिस्टम वाला लाइट भी है, हैजार्ड लाइट भी है यहाँ पे। इसके साथ में आपको डबल स्विच मिल जाएगा, डबल स्विच से क्या आप दोनों ऑपरेट कर पाएंगे, ब्लिंकिंग करना है या नॉर्मल जलाना है। ये प्राइसिंग क्या होता है इसका? इसका प्राइसिंग आएगा आपको 1600 रुपये का, 1600 रुपये पेयर पेयर आएगा। और जो इसका स्विच आएगा उसके लिए स्विच फ्री रहेगा साथ में। नेक्स्ट आ जाता है ये मिनी ड्राइव, ये HJG का ये भी सेम वैसा ही दिखता है पर इसमें स्ट्रोब नहीं है। अगर आपको स्ट्रोब वगैरह नहीं चाहिए, फ्लैशिंग नहीं चाहिए, तो आप ये ले सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया पावर आता है, इसमें वाइट येलो सेपरेट सेपरेट जलता है। सो गाइस देख सकते हो ये रहा इसका येलो लाइट, ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है देख सकते हो, एंड इसमें हमें वाइट लाइट भी देखने को मिलेगा, तो वो भी हमको दिखा दे रहे हैं। सो ये रहा इसका वाइट लाइट, तो ये भी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। सो एंटॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी रहेंगे, एंटॉक ही नहीं और भी अलग अलग स्कूटी में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ये। प्राइसिंग क्या होने वाला है? 1450। नेक्स्ट आइटम हमारे पास जो है वो है एंटॉक का ऑल न्यू क्रैश गार्ड। ये आपका फ्रंट साइड में लगता है इस तरह से, और एक इस तरफ रखा हुआ है, एक ये इस तरफ से ये कनेक्ट हो जाएगा इधर से, और इधर से दो रॉड कनेक्ट होगा इस तरह से, और यहाँ पे एक स्लाइडर आ जाएगा। काफ़ी एक बल्कि सा लुक मिल जाएगा, स्कूटी का फुल प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप रेयर का देख लीजिए, अब ये रेयर का है, ये इस तरह से सेट होगा, और लगने के बाद जो है वो आगे वीडियो में फ्यूज डाल देगा। अभी मैं वीडियो के फुटेज डाल दूंगा कि ये लगने के बाद कैसा दिखता है कैसा नहीं। प्राइसिंग क्या होता है इसका? इसका प्राइसिंग हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये, पूरा सेट आ गया, फुल सेट स्लाइडर के साथ देख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप ये वाला जो पार्ट है वो भी आगे परचेज कर सकते हो। सो दैट्स इज गाइस, हमने जितने भी पॉसिबल एक्सेसरीज कम से कम टाइम में आप सबके साथ शेयर कर सकते थे, हमने आपको सारा एक्सेसरीज दिखा दिया है, प्राइसिंग भी आप सबको ये ने बता ही दिया है। सो अगर कोई भी एक्सेसरीज लेना होगा तो आप यहाँ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, शॉप पे डायरेक्टली आ सकते हो। एड्रेस और फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैंशन कर दूंगा, जिसको आप फॉलो करके यहाँ पे इजिली आ सकते हो। एंड भैया कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके पीयूष को सपोर्ट कीजिए। और आगे से अगर आपको कोई भी COD का अगर आपको परचेज रहेगा तो उसमें आपका एड्रेस देखकर हम आपको बता देंगे कि आपका क्या मतलब एड्रेस में वहाँ COD अवेलेबल है कि नहीं। कई बार होता है कि वहाँ एड्रेस पे COD नहीं रहता है, तो फिर वो आपको प्रीपेड करना पड़ेगा, और अगर COD अवेलेबल रहेगा तो आपका एड्रेस बता के आपको COD कर देंगे। सो गाइज आई होप कि जितने भी अभी को इन्फॉर्मेशन थे वो मिल चुके होंगे। आने वाले टाइम पे आप कौन सी बाइक के सर्विस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो आप कमेंट करके लिखना, ताकि वो वीडियो को भी हम लोग आप सबके लिए कवर कर सके। एंड मैं भैया का भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कितना टाइम निकालने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए, ताकि हम आप सबके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना पाए।
सो आप शॉप को जरूर से विजिट करिएगा और ढेर सारा प्यार अपने शॉप पे दीजिएगा। एंड उसी तरह गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पेंड करते हैं, वीडियो आई गेस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई अगर डाउट रहेगा कमेंट में तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, मैं आपको डाउट्स क्लियर करने का पूरा कोशिश कर दूंगा। तो आज के गाइस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ। सो तब तक राइड सेफ एंड टेक केयर।